छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत भेडरवानी के आश्रित गांव बिहाव बोर्ड विकास के नाम पर पिछड़ा हुआ है। यह गांव जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर में बसा है। गांव बिहाव बोर्ड विकास के नाम पर कोसों दूर है, जबकि यह क्षेत्र सत्ताधारी दल कांग्रेस के विधायक भुवनेश्वर बघेल का है। ग्रामीणों से जानकारी के अनुसार विगत 40 सालों से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीण सड़क ना होने से बड़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण तमाम परेशानियों को झेलते हुए ग्रामीण पिछले 40 साल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं भेंडरवानी से टीकरापारा से दुर्ग जाने वाला रास्ता भी जर्जर हालत में है। छत्तीसगढ़ में 3 साल कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें डोंगरगढ़ क्षेत्र के विधायक धनेश पार्टनर मंत्री भी रहे। छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा की सरकार रही, जिसमें विनोद खांडेकर, रामजी भारती व सरोजनी बंजारे विधायक बने, लेकिन गांव विकास से दूर रहा। डोंगरगढ़ अब फिर कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस सरकार में भी गांव विकास से दूर है। सोचने की बात यह है कि यह क्षेत्र विकास से काफी दूर क्यों है? किसी भी विधायक ने क्षेत्र के विकास पर अपनी नजर नहीं डाली है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने कहा कि बरसात में स्कूल के बच्चों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ज्यादा बारिश में यह सड़क काफी खराब हो जाती है, जहां तक कि दलदल हो जाती है, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं वहां की सरपंच ने कहा कि उन्हें 6 महीने हुए हैं सरपंच बने हुए, लगातार इस क्षेत्र के विकास की मांग कर रही है, मगर अभी तक मेरी गुहार को किसी ने नहीं सुना। अगर इस क्षेत्र की सड़क को प्रधानमंत्री सड़क योजना में जोड़ दिया जाए तो यहाँ के लोगों को जो कठिनाइयां हो रही है उससे मुक्ति मिल जाएगी। हम सब ग्रामीण की मांग है कि उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सड़क का निर्माण जल्द करेंगे। राजनांदगांव से संवाददाता इला सिद्दीकी की रिपोर्ट। कौन से गाँव के निवासी हो आप? और आपका पंचायत गांव कौन सा है? आपको ये सड़क के कारण क्या क्या परेशानी हो रही है? हर चीज परेशानी होते है, चिकड़ा माटी जाना है हर समय, जाए लगे भंडारावाड़ी 4 बार तो महीना में सोसाइटी जाए लगे, बाल बच्चे मतलब 25-30 जन बाल बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, 6वीं से लेकर 7वीं 8वीं तक के, वो मतलब परेशानी होते, चिकड़ा में जा नहीं पाए, बारिश होते कहाँ नहीं, हर चीज परेशानी। बारिश में ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चे लोग फिर स्कूल जाते हैं बारिश के दिनों में, नहीं जाते क्षेत्र के लास्ट बॉर्डर में आता है यहाँ। कितने सालों से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? 40 साल हो गए। तो 40 साल में कभी ये रोड बना ही नहीं? नहीं। और नीचे ये जो रोड बना हुआ है, ये कुछ पत्थर वत्थर लगे हुए हैं, ये किसके माध्यम से लगा हुआ है? सरपंच ने तब के बनाया थे, कभी लगे हुए हैं। सोलह देर तक बड़ी तक 1 किलोमीटर है ऊपर पूरा इसमें लगती। तो आप क्या चाहते हो, शासन से ये रोड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए, बनना चाहिए। हाँ आपकी आवाजाही सुगम हो जाएगी ये इसके बन जाने से। पंचायत तक के ये रास्ता कितने किलोमीटर होगा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। और पहले और गांव के लोग मांग किए हैं इस रास्ते के लिए? हाँ पहले तो किए हैं, बाकी वो कोई भी अगले वाले सरपंच लोग तो कोई ध्यान ही नहीं दे ना। हाँ हाँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.